बना लिया बॉयफ्रेंड के साथ प्लान बना लिया ब्रेकअप हो गया। हाय इतनी खुश क्यों है तू? क्या क्या तेरी शादी हो गई? ये रोमांटिक कपल इतना इरिटेटिंग क्यों होते हैं गाइस? ये शो कुछ खुश हो सी आई लव यू द सेम रबिश बकवास इज इरिटेटिंग हेट कपल्स। यार उदास क्यों हो रही है? तो एक काम कर तू ये खा और तू ना अपना मूड ठीक कर ले। गाइस वैसे आपका भी हाल ना वैलेंटाइन पे हम दोनों जैसा है ना, तो टेंशन लेने की ना कोई बात नहीं है क्योंकि ये चैलेंज वीडियो देख के ना आपका मूड एकदम ठीक होने वाला है। आप चॉकलेट लैंड में खो जाने वाले हो क्योंकि आज हम करने वाले हैं 24 आवर्स ईटिंग ओनली चॉकलेट। गाइस ये ना मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने पहले कभी ब्रेकफास्ट में सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट खाया नहीं है और आज तो मैं सिर्फ चॉकलेट नहीं खाने वाली हूँ, मैं खाने वाली हूँ ये पूरा का पूरा हार्ट शेप्ड मिनी चॉकलेट केक। पूरा वैलेंटाइन स्पेशल बनाया गाइस ये देखो, यहाँ पे रेड वेलवेट की डेकोरेटिंग है, यहाँ पे इन्होंने लव शेप्ड का ये हार्ट भी रखा हुआ है और ये कुछ चीज़ें हैं जो हम खा नहीं सकते और ये भी डाली हुई है। तुम में इतना पानी आ रहा है ना, तो अब मैं अपना हथियार लेके ना इसका कत्ल करने वाली हूँ। इतना ज्यादा सुंदर है ना गाइस ये, लाजवाब है। देखो गाइस इसमें पूरा मतलब चॉकलेट ट्रफल फ्लेवर है, ये इसमें इतनी सारी चॉकलेट की लेयर्स है। दिन की शुरुआत ना मैंने लिटरली चॉकलेट से करी है और चॉकलेट्स के साथ मैंने ये लिया है चॉकलेट टार्ट भी। इसका जो बिस्किट पोर्शन है ना गाइस एकदम क्रंची है और इसका चॉकलेट जो है ना एकदम मूस के टेक्सचर जैसा होता है, ये तो मेरा बिल्कुल फेवरेट है गाइस। चॉकलेट लाइम जूस आइसक्रीम। गाइस मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें पूरा खा जाऊं, नहीं खाना चाहिए ना, पूरे दिन में चॉकलेट खाना ही है, ज्यादा मीठा हो जाएगा यार। तो ढूंढते ढूंढते फाइनली हमें हमारा चॉकलेट का बंगला मिल चुका है। हम आए हुए हैं चॉकलेट रूम में जहाँ पे लंच स्नैक्स डिनर सब चॉकलेट ही चॉकलेट होगा। यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी है ना चॉकलेट की, आप मतलब आपके मुंह में गारंटी पानी आ जाएगा चॉकलेट का बहुत सारा खाना देख के। तो लंच की शुरुआत करती हूँ चॉकलेटी पिज्जा के साथ। तो गाइस मैंने ना चीज़ ब्लोडेड पिज्ज़ास बहुत खाए हैं मगर कभी चॉकलेट पिज्ज़ा नहीं खाया, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अब ना मैं इसका फटाफट एक बाइट लेती हूँ। गाइस मेरा वैलेंटाइन एकदम स्मोकिंग हॉट है। ये देखो मैंने ली है अपने लिए स्मोकिंग हॉट ब्राउनी। इस पे ना जल्दी से भैया को चॉकलेट सॉस डालना है और ये चॉकलेट चिप्स डालनी है। ओह माय गॉड ये हुआ ना गाइस मेरा परफेक्ट लंच, एकदम सिजलिंग स्मोकिंग हॉट चॉकलेट ब्राउनी। खाने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ ये सिजलिंग ब्राउनी के बारे में। तो गाइस ये वुडन सिजलर प्लेट है, इस पे भैया ने ब्राउनी डाली है और ये वनीला आइसक्रीम और इसके ऊपर आपने अभी अभी देखा इतना सारा चॉकलेट सॉस और ये नट्स डाले हैं और चॉकलेट चिप्स जिससे एकदम सिजल उठाए सिजलिंग ब्राउनी। वाओ ये तो काफी गर्म है गाइस, ये ना काफी गर्म है तो थोड़ा सा ट्रिकी है इसको खाना।
गाइस स्नैक्स का टाइम हो चुका है और मैंने अपने लिए ना दो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें ली हैं। आपको यकीन नहीं होगा गाइस कि ये सब चॉकलेट का है। सबसे पहली डिश तो मैंने अपने लिए लिए है ये हॉट चॉकलेट। भैया ने इसको इतने अच्छे से डेकोरेट किया है ना, ये बहुत ज़्यादा डिलिशियस भी होने वाली है। आई कॉन्ट वेट टू ट्राई इट गाइस। ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो फिलहाल मैं आपको दूसरी चीज़ भी दिखा ही देती हूँ। ये देखो गाइस, ये है मेरी दूसरी डिश। पूरी वैलेंटाइंस की फील्स दे दी गाइस इस डिश ने मुझे। ये चॉकलेट का है, आप बिल्कुल इसे खा सकते हो और मैं आपको खा के भी दिखाऊंगी, पर पहले मैं अपना हॉट चॉकलेट का एक सिप लेती हूँ। बहुत ज्यादा अमेजिंग है गाइस। ये उठाना बहुत बड़ा टास्क था गाइस, और ये इतना ज्यादा खूबसूरत है ना कि मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा। तो मैं सबसे पहले इसका दिमाग खाऊं या इसका दिमाग खाऊं? ये चॉकलेट टूट गया गाइस। ओह नो, इतना ज्यादा प्यारा है ना ये। तो गाइस स्नैक्स का ना समय हो चुका है, तो अब क्या चॉकलेट का लिया जाए? चॉकलेट का पटाखा ले। तो गाइस मेरा चॉकलेट बॉम्ब आ चुका है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा लाजवाब लग रहा है ये। आई थिंक ये परफेक्ट स्नैक है और इससे बेटर तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया हुआ है। तो इस पे ना इसका कॉन्सेप्ट ये है कि भैया इसमें हॉट चॉकलेट डालने वाले हैं और ये पूरा मेल्ट होके अंदर एक सरप्राइज है इसके जो रिवील होने वाला है। तो भैया आप डाल दो। My God, guys, हमारा चॉकलेट बॉम्ब फट चुका है। तो गाइस कैसा लगा ये धमाका? मेरे को तो इसको देख के बस खाने का मन कर रहा है यार। इतनी टेस्टी ये आइसक्रीम, ये पेस्ट्री, ये मिल्क चॉकलेट, और कितना सुंदर लग रहा था ना गाइस वो चॉकलेट बॉम्ब। तो अभी फटाफट से मैं इसका एक बाइट लेने वाली हूँ। गाइज मैं स्नैक को फिनिश करती हूँ और मिलती हूँ आपसे डिनर में। गाइज इससे बेहतर डिनर मैंने आज तक करा है? मुझे तो नहीं लगता गाइज। ये कितना ज़्यादा डेकेडेंट और डिलिशियस लग रहा है गाइज। आप देख सकते हो भैया ने इसको कितना ज़्यादा डेकोरेट किया हुआ है। इसमें इन्होंने पहले चॉकलेट आइसक्रीम को ग्राइंड करके डाला है, उसके बाद इन्होंने उस पर बहुत सारा व्हिप क्रीम, फिर ब्राउनी, फिर और व्हिप क्रीम, कैरमल सॉस, जेम्स, और ये स्ट्रॉ जैसे दिखने वाले क्यूट से पिंक वेफर्स, और पूरा चॉकलेट से ड्रिपिंग। मतलब गाइस मुझे इसको देख के इतनी ज़्यादा टेम्पटेशन हो रही है ना, मेरे को इसको बस खाने का मन कर रहा है। तो मैं इसको खाने वाली हूँ, लेकिन गाइस मैं इसको कहाँ से शुरू करूँ? इतने पहाड़ जैसे शेक को मैं कैसे खाऊं? कुछ गिरना मत। गाइस ऐसा डिनर हो तो किसको वैलेंटाइन की जरूरत है यार। ओह यस चॉकलेट। इसका मैं एक जेम लेने वाली हूँ। इस ब्राउनी कैसे खाऊं? डिनर का टाइम हो चुका है और मुझे फिर से कुछ ना कुछ चॉकलेट का ही खाना है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बोर हो गई होंगी,
नहीं गाइस, मैं बोर नहीं हुई। इतनी ज्यादा खूबसूरत डिशेस है ना कि मुझे बोर ही नहीं हो रहा चॉकलेट से। मतलब पूरे दिन चॉकलेट खाने के बाद भी मैंने अपने लिए देखो क्या लिया है, इसको बोलते हैं चॉकलेट फोंड्यू। इतना ज्यादा लाजवाब है ना ये। इसका कॉन्सेप्ट गाइस ये होता है कि बीच में मेल्टिंग चॉकलेट रखा जाता है, नीचे कैंडल बुझाई जाती है, और साथ ही साथ मैंने चार डिप्स लिए हैं। मैंने यहाँ पे ली है वॉलनट ब्राउनी, फिर मैंने बनाना लिए है चॉप्ड, फ्रेश चेरीज ली है, और ये मैंने वेफर कैंडी ली है अपने लिए। तो इन सबको ऐसे एक एक करके डिप चॉकलेट में मैं करके आपको बताती हूँ कौन सा मुझे सबसे अच्छा लगा। Hands down, brownie और chocolate is equal to my Valentine. आप भी कमेंट करके बता, आपको इन सारी टॉपिंग्स में से आपको चूज करना होता तो आप कौन सी करते। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। हमने इतनी सारी लाजवाब डिशेस आपको दिखाई है, आपका भी मन किया हो इन सारी लाजवाब डिशेस को ट्राई करने का। अगर किया है तो चॉकलेट रूम में जाके आप ट्राई ज़रूर करना और हमें बताना कि आपको ये कैसी लगी। और बस गाइस, अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक दिस वीडियो, एंड दैट्स इट। हैप्पी वैलेंटाइंस डे, बाय।